डियर स्टूडेंट नाउ वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्वे टू नाउ टुडे हियर वी विल गो फॉर लेसन नंबर एट दैट इज़ रिगार्डिंग द अदर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टैकोमेट्री इसके पहले हमने टैकोमेट्री में देखा कि सबसे पहले हमने फिक्स हेयर मेथड का इस्तेमाल किया फिर हमारा यदि स्टाफ ज़्यादा दूर हो जाता है तो फिर हमने मूवेबल हेयर मेथड के लिए हम लोग गए फिर उससे भी आगे यदि हमारा डिस्टेंस हमको मेजर करना है टैकोमेट्री से तो हमने देखा कि टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री यानी जहाँ पे आपको सिर्फ अल्फा वन और अल्फा टू एंगल गिनना है और पिछले लेसन में हमने वो देखा कि टेंजेंशियल मेथड के मेथड के फार्मूले से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं वर्टिकल हाइट है कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट वे वी हैव सीन दैट स्टेडिया मेथड सबटेंस मेथड एंड टेंजेंशियल मेथड अब चौथा आपने को देखना है कि अदर इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ कर सकते हैं हम लोग टैकोमेट्री के लिए जिससे हम लोग रीडिंग लेके तुरंत डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट हमको कैलकुलेट करती आनी चाहिए और उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो हम लोग देखने वाले हैं पिछले लेसन में हमने देखा कि ओरिजेंटल बेस सप्टेंस मेथड और वर्टिकल बेस सप्टेंस मेथड से हम लोग टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री का इस्तेमाल करके भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और उस पे का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया नाउ वी विल मूव फॉर द अदर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टैकोमेट्री तो अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैकोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहला दैट इज कॉल्ड एज बीमैन स्टेडिया आर्क ये बीमैन स्टेडिया आर्क का मतलब यहाँ पर है ये इस प्रकार का एक ऐसा आर्क मेटल का एक ब्रास का आर्क बने वाला है और ये आर्क के ऊपर ऐसे अलग अलग मार्किंग्स के ग्रे ग्रेजुएशन यहाँ पर है सो यहाँ पर ज़ीरो का ग्रेजुएशन है और फिर यहाँ पे दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे तक का एंगल इधर है और यहाँ से भी उसे दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे यानी ये जो रिंग है हमारी ये ऐसा ये पूरा सर्कल कंप्लीट भी हो सकता है या थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा यहाँ पे उसको यहाँ पर है होल अब हमारा जो टेलीस्कोप रहता टेलीस्कोप जब ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट रहती है तो हमारा एंगल रहता है ज़ीरो डिग्री का अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट के हिसाब से आपने यदि वो टेलीस्कोप के साथ में ये बीमैन स्टेडिया आर्क यदि फिट कर दिया बराबर तो आपका ऐसा टेलीस्कोप ओरिजिनल रहेगा और ये बीमैन स्टेडिया आर्क ऐसा रहेगा बराबर यानी जीरो डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर आ गया बराबर तो अभी आपका लाइन ऑफ साइड का एंगल जीरो है जैसे ही आप उसको ऊपर करेंगे तो आपका ये एंगल दस बीस तीस डिग्री से ऐसा ये सर्कल ऐसा जाएगा ऊपर तो आपको एंगल मिलेगा या आप ऐसा नीचे करेंगे तो ये वाला इधर से एंगल आपको मिलेगा तो यानी डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल कितना है वो हम लोग बीमैन स्टडिया आर्क से तुरंत गिन सकते हैं उसके लिए ये हमारे पास में ये जो वर्टिकल सर्कल है ये वर्टिकल सर्कल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अब ये वर्टिकल सर्कल के लिए एक्यूरेसी में एंगल गिनने के लिए यहाँ पे वर्नियर भी दिया है यानी जैसा थ्यूलाइट में हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में एंगल निकालते वैसा ही आपको यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड से आपको एंगल मिलेगा वर्टिकल एंगल मिलेगा लेकिन एडिशनली ये जो वर्टिकल सर्कल है इसके अंदर का थ्यूड लाइट में का उसके अंदर हम लोग एक बीमैन स्टाडिया आर्क का ये वाला पार्ट एडिशनल होता है यहाँ पे जो यहाँ पे ज़ीरो डिग्री से लेकर के तो यहाँ पे नाइन्टी डिग्री तक का यहाँ पे लगा होता है सो दिस इज एन एडिशनल ग्रेजुएशन ग्रेजुएटेड आर्क स्ट्रिप ये इसका नाम है बीमैन आर्क तो ऐसा आपको वर्टिकल टैकोमीटर का जो वर्टिकल सर्कल है उसके अंदर आपकी जो भी वर्नियर स्केल है उसके साथ में आपको एडिशनली उसके अंदर एक बीमैन आर्क फिट किया होता है जिसके कारण से हम लोग रीडिंग लेने के लिए डिस्टेंस और वी के लिए हम लोगों को और आसानी होती है तो अब ये बीमैन आर्क जो है ये कैसा है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो बीमैन आर्क के बारे में डिटेल में यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे सो इट इज ए स्पेशल डिवाइस फिटेड विद द टेकोमीटर बीमैन आर्क जो है ये एडिशनली टैकोमीटर के वर्टिकल सर्कल के अंदर फिट होता है तो वो जो है हमारा बीमेन आर्क ये वाला है ये वाला हमारा बीमैन आर्क है ये एडिशनली फिटेड होता है हमारा टू तो डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन एंड होरिजेंटल डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर दैट वी कैन यूज बीमैन स्टडी आर्क यानी हमें कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है आसानी से हम लोग डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट निकाल सकते और उसके लिए हमको बीमैन आर्क का इस्तेमाल करना पड़ सकता है अब ये बीमैन आर्क जो है इसके अंदर दो स्केल है यहाँ पर ये यह यहाँ पर एक यहाँ पर लिखी वाली है एच स्केल यानी अंदर वाली और ये जो बाहर वाले ग्रेजुएशन है ये वाली है वी स्केल सो एच स्केल और वी स्केल दो अलग अलग ग्रेजुएशनस यहाँ पे हमको दिखाए हैं उसके हिसाब से हमको लेना है सो हियर बीमैन आर्क इट कैरीज हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल स्केल विद द सेंट्रल मार्किंग विद ज़ीरो फॉर एच यानी अभी ये जो होरिजेंटल स्केल है यहाँ पे सेंटर में ज़ीरो है इसके यहाँ पे सेंटर में ज़ीरो है और फिर ज़ीरो से लेके यहाँ पे दस बीस और इधर ऐसा जीरो से लेके कर दस बीस यानी ये ज़ीरो है और यहाँ पे दस और बीस और दस और बीस यानी अंदर की होरिजेंटल स्केल है हमारी सो होरिजेंटल स्केल इज़ हैविंग जीरो डिग्री एट द सेंटर और इधर बीस डिग्री और इधर बीस डिग्री तक का एंगल है यहाँ फिर हमारा यहाँ पर है वर्टिकल स्केल एंड 50 फॉर वी स्केल यानी वर्टिकल स्केल में हमारा यहाँ से जो एंगल शुरू हो रहा है तो सेंटर में हमारा एंगल आएगा पचास डिग्री का और फिर इधर से चालीस तीस बीस दस और इधर में फिर पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे तो वर्टिकल स्केल में ये जो सेंटर का रीडिंग है वो होता है पचास डिग्री का और होजेंटल स्केल में सेंटर का रीडिंग होता है जीरो डिग्री का सो दैट इज़ दैट वे दिस बीमैन आर्क वाज ग्रेजुएटेड उसके ऊपर उस प्रकार से मार्किंग हमारे बने हुए हैं अब ये यहाँ पर हमको क्या करना है वैल्यू ऑफ थीटा यूज इज सच दैट हाफ ऑफ द साइन टू थीटा टू इज़ हैविंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ लाइक जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री वगैरह अब ये इसके ऊपर के जो ग्रेजुएशन के मार्किंग है पर्टिकुलरली ये वर्टिकल स्केल पर के ये इस प्रकार से उसकी गैप जो है वो मैन्युफैक्चरर ने बराबर मार्किंग किया है कि उसमें हम हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वन बाय टू साइन टू थीटा ये जो वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू रखने के बाद में इसकी जो वैल्यू आती है वो आ आ सकती सकती है है पे या फिर उसकी वैल्यू इस प्रकार से ये एंगल के मार्किंग इसके ऊपर यहां पर की है अब इसको डिटेल में हम लोग यदि देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है अपने को तो हम लोग जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे तो हमको ऑब्जर्वेशन क्या क्या लेना है यहाँ पर देखो तो हमको सबसे पहले तो वर्टिकल स्केल का एक ग्रेजुएशन बोले तो ज़ीरो पॉइंट जीरो वन है ये मैंने आपको बतायानी वन बाय टू साइन टू थीटा या साइन टू थीटा बाई टू की वैल्यू हमारी है वर्टिकल स्केल तो वहाँ पे एक दो ले दो लाइन में का डिस्टेंस बोले तो ज़ीरो पॉइंट जीरो वन की वैल्यू हो जाती है तो इस प्रकार से ये ग्रेजुएशन हमारे वर्टिकल स्केल के लिए यहाँ से दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे तक का मार्किंग करे वाले वी स्केल के ऊपर ये जो है हमारी यहाँ पर ये है वी स्केल यहाँ तक अब हमारा वेन द इंडेक्स रीड द फिफ्टी वन डिग्री अब यहाँ पर जो इंडेक्स मार्ग है हमारा ये वाला इंडेक्स ये वाला इंडेक्स का मार्ग है अब ये इंडेक्स मार्ग का एंगल जब हमारा ये बीमैन आर्ग हमारा घूमेगा ऐसा तो इंडेक्स के रीडिंग के ऊपर यदि इक्यावन डिग्री का एंगल आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यानी इक्यावन डिग्री का मतलब यहाँ पे पचास के बाद में पहली लाइन एक लाइन पचास का रीडिंग सेंटर का यहाँ पे तो पचास के बाद में पहली लाइन इसका मतलब इक्यावन की रीडिंग आ गया अपना वर्टिकल स्केल का तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन बाय टू साइन टू थीटा की वैल्यू होगी जीरो पॉइंट जीरो वन इसका मतलब ऐसा होता है तो यानी जब इक्यावन डिग्री का रीडिंग आ गया वर्टिकल स्केल पे तो उसका मतलब हो गया कि आपका जो थीटा है वो जीरो डिग्री चौंतीस मिनट तेईस सेकंड है और उसके आपका जो एंग रीडिंग आएगा वो आएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो वन का तो फिर हमारा जो वर्टिकल हाइट का जो फार्मूला है वो क्या है वी इज इक्वल टू के एस साइन टू थीटा बाय टू ये हमारा एनालिटिक लेंस यदि इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो हमारा v का फार्मूला सिंपल रहता है वैसा तो अब इसके अंदर ये साइन टू थीटा बाय टू जो की वैल्यू है वो वैल्यू हमको पहले से पता चल गई क्योंकि वो हमारी जीरो पॉइंट जीरो वन है जीरो पॉइंट जीरो वन की है क्योंकि एंगल एक पचास के बाद में एक पे आ गया यानी इक्यावन डिग्री आ गया तो एक ग्रेजुएशन मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन यदि बावन डिग्री एंगल आता था तो हमारी वैल्यू होती थी जीरो पॉइंट जीरो टू तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये टर्म जो है इसकी वैल्यू हो जाएंगी जीरो पॉइंट जीरो वन अब इसके वजह से हमारा ये जो फॉर्मूला है वी का और समझ लो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमारा हंड्रेड है तो एनालिटिक लेंस हो गया हंड्रेड इंटू ये हो गया जीरो पॉइंट जीरो वन और इंटू हो गया एस अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया वी इज इक्वल टू एस क्योंकि हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू एस तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हमको इक्यावन डिग्री के लिए V की वैल्यू यानी वर्टिकल हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएंगे जितना हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट है तो ये V स्केल का यूज करके हम लोग तुरंत वर्टिकल डिस्टेंस कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उतना ही हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट भी रहेगा जितना हमारा एस का ऑब्जर्वेशन आया है वैसे ही हमारा यदि बावन डिग्री का एंगल आ गया हमारा वर्टिकल स्केल पे तो वी की वैल्यू जो है वहाँ पे के एस साइन टू थ्री डबाई टू इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो टू से तो ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो टू और फिर यहां पे हो जाएगा ये वी इज इक्वल टू टू एस तो वी इज इक्वल टू टू एस वी इज इक्वल टू थ्री एस वीज इक्वल टू फोर एस वी इज इक्वल टू फाइव एस तो आपको वर्टिकल हाइट कैलकुलेशन करने का काम ही नहीं है यदि आपका एंगल एक्यावन डिग्री आ गया तो जितना स्टाफ इंटरसेप्ट है उतना ही आपका वर्टिकल हाइट रहेगी तो विदाउट कैलकुलेशन वर्टिकल हाइट वी हमने कैलकुलेट कर लिया सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी होरिजेंटल स्केल है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं अब वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में क्या कर सकते हैं तो जब यहाँ पे 50 डिग्री रहता वहाँ पे तो यहाँ पे एंगल रहता ज़ीरो का होरिजेंटल स्केल पे जब इक्कावन डिग्री रहेगा तो यहाँ पे कुछ तो भी रीडिंग रहेगा थोड़ा सा थोड़ा सा रीडिंग रहेगा एकदम छोटा रीडिंग रहेगा क्योंकि इसमें जीरो के बाद में दस एकदम यहाँ पर है बीस इधर है ऐसे ही दस और बीस इधर है यानी ये होरिजेंटल स्केल जो है वो एरर निकालता है तो एरर के लिए यहाँ लोगों को क्या हो जाएगा फिर कि हमारी होजेंटल स्केल पे का जो भी रीडिंग आ गया वो रीडिंग हमको ये यह यहाँ पे माइनस करना पड़ता है एस में से तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है हमारा डी का तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो डी है डी इज इक्वल टू के इन टू एस होता है जब एनालिटिक लेंस हम यूज करते हैं तो डी इज इक्वल टू के एस होता है तो अब हमारा यहाँ पे एच स्केल जो है हमारी एच स्केल का रीडिंग हमारा समझ लो फोर आ गया यहां पे चार चौथे ग्रेजुएशन पे आ गया तो एस स्केल का रीडिंग आ गया फोर तो यहां पे हमको के एस माइनस फोर एस करना पड़ेगा यहाँ के ओरिजिनल स्केल पे का रीडिंग आठ आ गया तो के एस माइनस एट एस करना पड़ेगा अब हमको यहां पर भी देखो कि हमारा के जो है वो हंड्रेड है तो एकदम सिंपल है तो हंड्रेड और एस मालूम है हमको दो मीटर का तो हंड्रेड माइनस फोर नाइन्टी सिक्स इंटू एस जो भी करेगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा यानी कैलकुलेटर को बिना इस्तेमाल किए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस और डायरेक्ट वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं सिर्फ आपको ये एस का ऑब्जर्वेशन लेना है स्टाफ इंटरसेप्ट और फिर होजेंटल और वर्टिकल स्केल का जो भी रीडिंग रहेगा उसके हिसाब से आपका डी और वी का कैलकुलेशन हो जाएगा सो इन दिस केस हियर बाय बीमैन स्टेडिया आर्क वी हैव टू रिमेंबर दैट डी इज इक्वल टू के एस माइनस ई एस ई बोले तो यहाँ पर होजेंटल स्केल है एच एस बोल सकते हैं हम लोग ये होजेंटल स्केल का रीडिंग है यहाँ पे और वर्टिकल डिस्टेंस है तो वी इजल टू एस लेकिन वी इजल टू एस के अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है हमारा वो हमारा जितना ऑब्जर्वेशन का रीडिंग रहेगा वो है सो so, अकॉर्डिंगली ये बीमैन स्टडिया आर्क का इस्तेमाल करके बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग तुरंत डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट मेजर कर सकते हैं सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस यूजिंग द बीमैन स्टडिया आर्क इन द वर्टिकल सर्कल ऑफ़ द थ्यूड लाइट सो दैट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर

टेकोमीटर तो ये डायरेक्ट रीडिंग के टैकोमीटर के फीचर क्या क्या है तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर होता है उसका इसका जो सेंट्रल क्रॉस एयर होता है इट इज फिक्स्ड यानी ये वाला जो सेंट्रल क्रॉस एयर है यहाँ पे ये वाला जो सेंट्रल क्रॉस एयर है ये हमारा जे इसके अंदर फिक्स होता है ड्राइव हम के अंदर हम लोग देखते तो होजेंट्रल क्रॉस ईयर उसकी फिक्स होती है यहाँ पे दैट इज वन फीचर देन राइट हैंड मूवेबल पॉइंटर इज शोइंग द वैल्यू ऑफ डी यानी ये

ये ऊपर का जो पॉइंटर है ऊपर का पॉइंटर हमको डिस्टेंस की वैल्यू देता है डी का तो ऊपर के पॉइंटर के लिए हमको क्या करना है तो यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन लेना है कि ऑब्जर्वेशन हमारा कितना रहेगा करके तो ये जो राइट हैंड साइड का जो पॉइंटर है हमारा यानी राइट हैंड साइड का पॉइंटर बोले तो ये वाला राइट हैंड साइड का पॉइंटर ये रिमेंबर योर टू राइट हैंड साइड पॉइंटर ये हमारा डिस्टेंस देता है तो ये बॉटम तक का रीडिंग कितना है यहाँ पे बी तो ये बी जो है तो जो रीडिंग आएगा वो हो जाएगा बी हमारा बॉटम का रीडिंग यहां से यहां तक की गैप ये बॉटम के रीडिंग को यदि हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग तो हमको डिस्टेंस मिल जाता है यानी यहां पे तुरंत आपको पता चल जाता है यहां पे पॉइंट सेवन आ गया तो हंड्रेड इंटू पॉइंट सेवन यानी सत्तर मीटर का रीडिंग है डिस्टेंस है करके अपने को पता चल जाता तुरंत सो दैट इज द एडवांटेज बाय यूजिंग जेफकॉट डायरेक्ट रीडिंग टैकोमीटर इसीलिए उसका नाम है डायरेक्ट रीडिंग यानी आपको ये सेंटर हेयर रीडिंग से नीचे का डिस्टेंस यानी राइट राइट पॉइंटर का ऑब्जर्वेशन मिल गया यहाँ से यहाँ तक की गैप बी मिल गई तो डी इज इक्वल टू हंड्रेड बी होता है सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉइंटर है हमारा मूवेबल पॉइंटर उससे हमको वी मिलता है वर्टिकल हाइट तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला पॉइंटर है अब ये वाला पॉइंटर तो ये इतनी जो गैप है हमारी क्रॉस हेयर से सेंटर से लेके इतनी वाली गैप वो डिनोट कर दी हमने यहाँ पे स्मॉल ए से सो नाउ दिस स्मॉल ए तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू ए ए मतलब यहां पे ये वाला रीडिंग यदि समझ लो पॉइंट फोर आ गया तो हंड्रेड इंटू पॉइंट फोर हंड्रेड इंटू पॉइंट फोर यानी फोर्टी तो वर्टिकल राइट फोर्टी हो जाएगी सो लाइक वे दिस जैफकॉट डायरेक्ट रीडिंग टैकोमीटर का डायफ्राम जो है वो अलग से रहता है जिसके अंदर बीच का क्रॉस एयर फिक्स रहता है और ऊपर का और नीचे का क्रॉस एयर वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है जैसा आप फोकस करेंगे और वो जो स्टाफ रीडिंग है उसके ऊपर बराब आप बराबर बर है उसको एडजस्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपके ये रीडिंग चेंज होता है और ये जो ऑब्जर्वेशन है ए और बी ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिस्टेंस और वी ये दोनों हम लोग निकाल सकते सो so हियर यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंटर्स है ना ये थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है रीड करने के लिए कभी कभी क्योंकि ज़्यादा दूर के डिस्टेंस के लिए हमारे को ये डिस्टेंस एकदम कम हो जाता है यहाँ पे सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस उसके बाद में हाफ इंटरसेप्ट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड यहाँ पे हम लोग आधा इंटरसेप्ट भी गिन सकते हैं उसके लिए एंड इफेक्ट ऑफ पैरलैक्स कैन नॉट बी ऑल्सो रिमूड हेयर कभी कभी ये फोकसिंग बराबर नहीं रहा तो ये पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पर कौन सी वैल्यू दिखा रहा है ये हमको थोड़ा सा रीडिंग करने के लिए तकलीफ जाती लेकिन उससे भी है कि बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ हमको यहाँ से ये ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस इतना मिल गया तो डायरेक्ट डी इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू बी और वी इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू ए ये दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट दोनों भी निकाल सकते फॉर दैट वी हेव टू यूज जेफकॉट डायरेक्ट रीडिंग टैकोमीटर फॉर ऑब्जर्वेशन, सो दैट वी हेव टू रिमेंबर सो दिस इज अनदर इंस्ट्रूमेंट फॉर टैकोमेट्रिक सर्वे तो हमने दो देख लिए पहले देखे बीमैन स्टडी आर्क और दूसरा देखा है हमने जेफ रीडिंग टैकोमीटर, नाउ वी विल सी दैट अगेन देर इज वन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वेरी हैंडी एंड विच इज वेरी यूजफुल एंड दैट इज नेम्ड एज ऑटो रिडक्शन टेकोमीटर ये फेमस नाम है ऑटो रिडक्शन टेकोमीटर और इसका नाम है एक्चुअली हैमर फनेल दिज आर द टू साइंटिस्ट दोज दो इन्वेंटेड दिस सो हैमर फनेल ऑटो रिडक्शन डिवाइस ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं टैकोमीटर के लिए नाउ वॉट इज दैट एग्जैक्टली द डिवाइस तो जैसा यहाँ पे आपने देखा है कि फील्ड ऑफ व्यू इज़ डिवाइडेड इन टू द टू हाफ यहाँ पे हमारा जो डायफ्राम होता है हमारा डायफ्राम में जैसा हम लोग ये ऐसा देख रहे हैं हम लोग तो ये डायफ्राम को दो भागों में डिवाइड जाता है इधर के अलग विजन रहता है उधर का विजन अलग रहता है हमारा दो अलग अलग विजन यहाँ पे रहते हैं हमारे सो हियर दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑटो रिडक्शन टैकोमीटर में आधा पार्ट अलग दिखता है आधा पार्ट अलग दिखता है बीच में से सेंटर में से दोनों भी पार्ट अलग अलग रहेंगे अब इसके अंदर क्या रहेगा सो so, ये जो फर्स्ट पार्ट है फॉर द विजन यानी पहले पार्ट में से हम लोग स्टाफ देखेंगे आगे का सामने का ऑब्जेक्ट देखेंगे एंड द सेकेंड हाफ इज फॉर द स्पेशल डायफ्राम यानी ये जो सेकंड आधा वाला भाग है इसका यहाँ पे हमारा एक स्पेशल डायफ्राम होता है तो दोनों डायफ्राम का आधा एक भाग अपने को आगे का दिखता है और इधर के इसमें डायफ्राम दिखता है अपने आधे इसमें तो ऐसी अरेंजमेंट आपके टेकोमीटर के अंदर सो फर्स्ट हाफ इज फॉर स्टाफ ऑब्जर्वेशन एंड अदर हाफ इज फॉर ये जेक ऑफ रीडिंग ऑटो रिडक्शन डिवाइस का डायफ्राम यहाँ पर स्पेशल डायफ्राम यहाँ पर आपको दिखता है सो हियर दिस इज स्पेशल डायफ्राम और ये है हमारा फील्ड व्यू यहां से आपको डायरेक्ट स्टाफ दिखेगा आधे वाले पार्ट में से ये लेंस के आधे पार्ट में से और यहाँ पे स्पेशल डायफ्राम हमारा दिखेगा सो so इस प्रकार से यहां पर ये जो स्पेशल डायफ्राम है ये स्पेशल डायफ्राम का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया स्पेशल डायफ्राम के अंदर यहां पे इसके अंदर ये जो पूरी विंडो है ऐसी ये वाली आउटर विंडो जो है या आउटर विंडो के अंदर एक ग्लास के ऊपर इस प्रकार से ऐसे कर प्लाटेड होते हैं ग्लास के ऊपर और ये जो ग्लास है उसके ऊपर इस प्रकार से लाइन प्रिंटेड होती है एक दो तीन चार पांच और छह लाइन होती है अब ये जो ये इसका इसका ही नाम है दिस इज स्पेशल डायफ्राम स्पेशल स्पेशल डायफ्राम अब यह स्पेशल डायफ्राम में, डायफ्राम में क्या है तो यहां पर ये जो एन कर हो है हमारी दिस इज कॉल्ड है बोले तो ये जो नीचे की लाइन है हमारी सबसे पहले ये है जीरो कॉर यानी ये लाइन पर से रीडिंग आएगा तो रीडिंग जीरो आएगा हमारा सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दूसरा है फिर ई कर ई कर जो है वो हमारे डिस्टेंस देती है इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ हंड्रेड यानी ई कर बोले तो ये हमारी सेकंड वाली मैं इसको यहां पे ब्लू कलर से येलो दूसरे कलर से मार्क करता हूँ दिस वन इज द ई कर दिस इज द ई कर अब ये ई e कर बोलो तो ये एक लाइन अलग से प्लाट करी वाली है डायफ्राम के अंदर तो इस पे का जो भी रीडिंग आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको हंड्रेड से तो वो उसका और एक रीडिंग आपको मिलेगा विल सी ये डिस्टेंस कौन ये क्या का रीडिंग मिलेगा डिस्टेंस का यानी डिस्टेंस का रीडिंग हमको चाहिए तो हमको जो ई e कर है ई e कर का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा जितना भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो हंड्रेड करने से आपको जो भी डिस्टेंस है वो वैल्यू तुरंत मिल जाएगी फिर ये डायफ्राम के अंदर और अलग अलग चार लाइनें हैं तो उसमें का जो डी वाली लाइन है ये डी कर दिखाई वाली है दिस कैपिटल डी वाली जो करवा है यानी ये वाली कर है बीच की एक इधर वाली और ये बीच की इधर वाली इसके अंदर दो टाइप के कार है सेंटर से एक कर इधर जो जारी है ये इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है प्लस टेन और सेंटर से इधर की जो लाइन है उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है माइनस टेन तो ये जो डी कर है ये डी कर है डबल कर फॉर एलिवेशन एंगल यानी डी फॉर डिग्री डिग्री में आपको एंगल दे रहा है वो तो ये एंगल कैसा होता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है प्लस माइनस फोर्टीन डिग्री तक तो ये डी कर का जो ऑब्जर्वेशन रहेगा ये जो लाइन है ये वाली कर जो है ये ग्लास के ऊपर प्रिंटेड है ये वाली कर इसके साथ में यदि आपका ऑब्जर्वेशन आ गया तो जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय टेन कर लो तो उतने डिग्री का एंगल रहेगा आपका अब ये प्लस वाले कर पे रीडिंग आ गया तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा और ये माइनस वाले कर पे यदि आपका एंगल आ गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा आपका तो ये डी कैपिटल डी जो कॉर है ये हमारा डिग्री में एंगल देता है हमको वर्टिकल एंगल और वर्टिकल एंगल के लिए उसकी रेंज होती है डी कॉर की फोर्टीन डिग्री तक का मैक्सिमम एंगल चौदह डिग्री तक का चौदह डिग्री ऊपर या चौदह डिग्री नीचे फिर इसके अलावा और स्मॉल दो कर है स्मॉल डी वाली एक ये स्मॉल डी वाली कॉर ये है और स्मॉल डी वाली कॉर यह है लेकिन इनके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका है प्लस ट्वेंटी और इसका माइनस ट्वेंटी यानी विथ रिस्पेक्ट टू तो दिस कॉर यदि रीडिंग आता है तो भी आपको डिग्री का एंगल मिलेगा सो स्मॉल डी कॉर इज द डबल फॉर ग्रेटर एलिवेशन तो यहां पे एंगल हमारा प्लस माइनस फोर्टी सेवन डिग्री तक का जा सकता है तो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा आपका उसको मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी करना पड़ेगा तो उतने डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका वर्टिकल एंगल तो इसका मतलब यह है कि यह ऐसा स्पेशल डायफ्राम आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा है जिसका आधा वाला पार्ट आपको सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर आधे वाले पार्ट में सिर्फ वो स्पेशल डायफ्राम दिख रहा है यहाँ पे अपने को और ये आधे वाले पार्ट में से आपको सामने का स्टाफ देखना है अब ये इधर के पार्ट में फिर आपका स्टाफ रहेगा यानी इधर वाले पार्ट में आपका स्टाफ रहेगा ऐसा ये स्टाफ के ऊपर का मार्किंग रहेगा पूरा यानी वर्टिकल लाइन से इधर हमारा स्टाफ है और इधर वाले पार्ट में आपका ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम रहेगा जैसा आप जो आप फोकस करेंगे उसके हिसाब से आपका ये जो डायफ्राम है ये अंदर गोल घूमता बराबर और जैसा घूमेगा तो वो ये स्टाफ को क्रॉस करेगा कहीं तो भी और क्रॉस करेगा तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू ई कर और डी कर दोनों के हिसाब से आपको दो ऑब्जर्वेशन लेने हैं तो ई कर से रिस्पेक्ट टू जो भी रीडिंग लेंगे हम लोग वो रीडिंग को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस और डी कर से यदि हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते और वो कर को हम लोग यदि स्मॉल डी वाले कर से आया तो ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल डी वाले कॉर से आया तो टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपको डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों मिल जाएंगे तो इसलिए ये ऑटो रिडक्शन डिवाइस के हिसाब से इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसको सो तो इसके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि आपने जब यदि ऑब्जर्वेशन लिया तो कैसा रहेगा सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल शोन हियर सो टेलीस्कोप यहाँ पर डिप्रेस्ड है डिप्रेस का मतलब क्या है एंगल ऑफ़ एलिवेशन डाउनवर्ड है हमारा अब ऐसे इसमें यदि हमने देखा तो हमारे ये आधे पार्ट में हमको इधर से दिख रहा है लेवलिंग स्टाफ और ये आधे पार्ट वो इधर वाला जो पार्ट है ये वाले पार्ट में हमको ऑटो रिडक्शन टैकोमीटर के ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं अब ऑटो रिडक्शन टैकोमीटर में देखो यहाँ पे ये हमारी मार्किंग की लाइन है इंडेक्स लाइन तो ये इंडेक्स लाइन को आपको क्या करना है ये जो नीचे की कर है एन कर ये इसको मैच करना है यानी जब हम लोग घुमाते उसको फोकसिंग स्क्रू को तो फोकसिंग स्क्रू को घुमा के आपको ये नीचे वाली लाइन ये इंडेक्स मार्क के साथ में मैच कर देना है जब ऐसा हो जाएगा तो ये बाकी के जो दो तीन कर जो है डी कर और ई कॉर ये यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे तो अब यहाँ पे माइनस टेन वाली जो कर है ना वो यहाँ पे क्रॉस कर रही है यानी हमारा ये रीडिंग कितना है ज़ीरो पॉइंट वन का तो जीरो पॉइंट वन इंटू टेन तो ये हो गया एक तो यहाँ पे हमारा ये इस पर से हमारा थीटा इज इक्वल टू माइनस वन डिग्री हो गया यानी जीरो पॉइंट वन का रीडिंग और मल्टीप्लाई बाय टेन तो एक और वन और माइनस बोले तो माइनस क्योंकि ये वाले माइनस कर से लिया वाला रीडिंग है तो आपका थीटा का डिग्री एंगल माइनस वन डिग्री एंगल आ गया और ये जो कर है हमारी ये ई वाली कर है ये ई कर जो है गुलाबी वाली हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं उसको तो ई कर के हिसाब से आपका जो रीडिंग आ गया वो यहाँ पे आ गया पॉइंट वन वन सो पॉइंट यानी ये जो रीडिंग है ये वाली ई कौर है हमारी ई कौर का रीडिंग है हमारा पॉइंट तो ई कौर से हमको क्या मिलता है डिस्टेंस तो डिस्टेंस मिल जाएगा पॉइंट वन वन इंटू हंड्रेड क्योंकि ई करो का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हंड्रेड है तो पॉइंट वन वन इंटू हंड्रेड तो ये हो जाएगा ग्यारह मीटर तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लेके हमको डिस्टेंस पता चल गया ग्यारह मीटर का और एंगल पता चल गया थीटा इज इक्वल टू माइनस वन डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है करके सो लाइक वे वी कैन यूज दिस ऑटो रिडक्शन टैकोमीटर ऑब्जर्वेशन फॉर डायरेक्ट रीडिंग ऑफ द डिस्टेंसेस सिमिलरली अनदर केस हम लोग यदि यहां पर लेते हैं तो यहां पे जो हमारा है ये टेलीस्कोप जो है यहां पे होरिजेंटल लाइन है समझ लो आपकी तो यहां पे डायग्राम में मुझे थोड़ा सा बराबर नहीं दिखाई दे रहा है सो दिस इज फॉर होरिजेंटल लाइन ऑफ साइट करेक्ट सो फॉर होरजेंटल लाइन ऑफ साइट तो ये आधे वाले पार्ट में देखो आपको यहां पे स्टाफ दिख रहा है आधे वाले पार्ट में और ये हमारा इंडेक्स का मार्किंग है तो हमने फोकसिंग स्क्रू को एडजस्ट करके क्या किया ये जो एन कारो है हमारी छोटी वाली ये एन कॉर को हमने बराबर यहां पे मैच कर लिया तो ये नीचे के कॉर यहाँ पे मैच करने के बाद में अब हमारे पास में क्या हो रहा है तो यहां पे देखो आपकी ये जो टेन वाली कॉर है प्लस टेन वाली वो एग्जैक्ट यहाँ पे मिल रही है एग्जैक्ट यहाँ पे मिल रही है इसका मतलब ये जो कर है इसका एंगल कितना आ रहा है ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है यहाँ पे जीरो आ रहा है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन तो जीरो तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री हो जाएगा सो इसका मतलब है लाइन ऑफ साइट इज हो तो थीटा आपका यहां पे निकल गया अब ये जो ई कर है तो ई कर के लिए हमको क्या है यहां पे करना पड़ेगा कि यहाँ पे ई कर के लिए हम लोग देखते हैं यहां पर तो ये ई वाली कॉर ये है तो ये कॉर कहाँ पे कट हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे हो रहा है पॉइंट वन यहाँ पे पॉइंट वन वन फिर यहाँ पे हो रहा है पॉइंट वन वन पे ऊपर आ रहा है समझ लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट वन वन तो ये ई का जो रीडिंग है ये ई स्केल का जो रीडिंग है वो आ रहा है हमारा जीरो पॉइंट वन वन तो इस केस में यदि हमको डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर हमारा तो यहां पे d इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू डेट वैल्यू इंटू जीरो पॉइंट वन वन तो जीरो पॉइंट वन वन इंटू हंड्रेड यानी ग्यारह मीटर तो यहां पे रीडिंग आ गया ग्यारह मीटर का डिस्टेंस ग्यारह मीटर और एंगल जीरो डिग्री का सो so इस प्रकार से हम लोग ऑटो रिडक्शन टैकोमीटर से ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं यहां पे अनदर एक और केस दिखाई है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा एंगल ऊपर जा रहा है तो ऐसे केस में जब हम लोग फोकस करेंगे तो आपको ये आधे वाले पार्ट के अंदर इधर में स्टाफ दिख रहा है बराबर और ये स्टाफ के हिसाब से ये इंडेक्स का मार्क है अपना और इधर वाले पार्ट में अपने एंगल ऊपर ऐसा फोकस करेंगे तो आपको क्या करना है ये जो एन कॉर है ये हमने यहाँ पर मैच कर दी बराबर इसके साथ में तो एन कॉर यहाँ पर मैच करने के बाद में जब आपके ये सारे जो कर आ रहे हैं तो इसके हिसाब से अब ये वाली जो कर है हमारी ई e कॉर है ये ई वाली कर है इ तो कर का रीडिंग कितना आ रहा है यहाँ पे फिर से पॉइंट वन वन आ रहा है समझ लो तो यहाँ पे फिर से डी इज इक्वल टू फिर से वही हो जाएगा डी इज इक्वल टू हंड्रेड इन टू ये वाला ऑब्जर्वेशन एंड जीरो ग्यारह मीटर हो जाएगा यहाँ पे भी डिस्टेंस लेकिन एंगल के लिए हमारी ये ये वाली जो कर्व है प्लस ट्वेंटी वाली कट हो रही है यहाँ पर तो प्लस ट्वेंटी कर्व के हिसाब से रीडिंग कौन सा यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट वन वन पॉइंट वन टू पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन फोर तो सबोज रीडिंग हमारा पॉइंट वन फोर आ गया यहाँ पे तो पॉइंट वन फोर इंटू क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी तो थीटा एंगल आपको यहां पे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू पॉइंट वन फोर इंटू ट्वेंटी चौदह धोनी अट्ठावी अट्ठावी यानी टू पॉइंट एट तो यहां पर थीटा जो है वो टू पॉइंट एट डिग्री का आ गया थीटा जो यहाँ पे 2.8 डिग्री प्लस आ गया यानी दिस इज प्लस एंगल यानी लाइन ऑफ साइड उमारी ऊपर है तो इस प्रकार से ऑटो रिडक्शन टैकोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस ई स्केल से मेजर कर सकते और थीटा एंगल बी स्केल से मेजर कर सकते एंड दैट वे आवर कैलकुलेशन बिकम सिंपलर और हम लोग हमारे टैकोमेट्री के डिस्टेंस और एंगल के लिए कैलकुलेशन के लिए हमें आसानी होती है सो दैट इज़ ऑल अबाउट द आटो रिडक्शन टैकोमीटर so now in this lesson there some questions can be asked which is here that B man study arc method of टैकोमीटर usko कैसा explain karna hai that question can be asked another question can be asked अगर uh, uh, for jackoff uh, reading uh, direct reading टैकोमीटर तो ये भी हमने देखा है jackoff direct reading टैकोमीटर से आपका right और right left side का जो pointer है वो नीचे upward हो रहा है उसके हिसाब से आपको reading लेते आता है and then hammer funnel attenuation टैकोमीटर यर ऑटो रिडक्शन टेकोमीटर इज एन इंपॉर्टेंट वन जनरली दिस वी आर यूजिंग यहां पर हमको डायरेक्ट जैसा मैंने अभी आपको बताया तो ई कर से आपको मिलता है डिस्टेंस और जो डी कर है उससे आपको मिलता है एंगल थीटा सो दैट वे दिस ऑटोडिडक्शन टेकोमीटर कैन बी ऑल्सो यूज सो इन दिस लेसन वी आर लर्न अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेकोमेट्री सो विथ दिस हियर now we have completed this unit number 1 that is tachometry so in all these lectures we have learned the different methods of tachometry and uh, on every method we have solved some of the problem so for more practices you have to refer to the book and you can you have to try to solve the, some given problem and then some solve, unsolved problem so that you will really know or understand the beauty of the tachometry where

मूला इज आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस एच प्लस वी माइनस आर तो ये हमने देखा है कि यहाँ से हम लोग आर एल भी निकाल सकते हैं तो so उसके लिए हमारे को एच बोले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यह हमको मालूम होती है वी के लिए हमने फॉर्मूला देखा है प्लस सी साइनथीटा और आर बोले तो सेंट्रल हेयर रीडिंग सो इफ दीज वैल्यूज़ आर नोन एंड एनी वन ऑफ द आर्यल इज नोन सो देन टेकोमेट्री ऑल्सो वी कैन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द आर एल ऑल्सो सो हियर वी हव कंप्लीटेड द यूनिट नंबर वन दैट इज टेकोमेट्री सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो सीरीज लेक्चर ऑन सर्वे टू बेस ऑन यूनिट नंबर वन टेकोमेट्री